सब्सक्राइब करें यूएस डिलक्स कंटेंट को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। एक बहुत ही मुख्य डॉक्यूमेंट हम लोगों ने अभी अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। इस डॉक्यूमेंट के तहत कोविड पेशेंट्स को मैनेज करने के लिए हॉस्पिटल्स और जो फैसिलिटीज उनको हमने क्लासिफाई किया है, जिसके तहत हम लोगों ने कोविड को मैनेज करने के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज को तीन भाग में बांटा है। पहली फैसिलिटी को जिसको हम कहते हैं कि कोविड केयर सेंटर, जहां पर प्राइमरीली माइल्ड या वेरी माइल्ड और सस्पेक्ट केसेस को रखा जाएगा। ये मेकशिफ्ट फैसिलिटीज भी हो सकती हैं, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट फैसिलिटीज जैसे हॉस्टल्स, होटल्स, स्कूल्स, स्टेडियम्स, लॉजेस, उस टाइप की फैसिलिटीज हो सकती हैं। इसके साथ ही जो हमारी इससे पहले क्वारंटाइन फैसिलिटीज थी उनको भी अपग्रेड कर हम कोविड केयर सेंटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उन मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबका सहयोग आवश्यक है। आने वाले सप्ताह में कई त्योहार हैं। इस संदर्भ में कई कम्युनिटी लीडर्स भी आगे आए हैं। उन्होंने कम्युनिटीज को आग्रह किया है और कर रहे हैं कि वे लॉकडाउन के स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन में सरकार का सहयोग दें। एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज का स्टेटस बाय एंड लार्ज सेटिस्फैक्ट्री है। गृह मंत्री जी ने एसेंशियल कमोडिटीज और लॉकडाउन मेजर्स के स्टेटस का डिटेल रिव्यू किया। उन्होंने निर्देश दिया है कि उपयुक्त कदम उठाए जाएं और राज्य सरकारों के साथ मिलकर सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग ना हो। ऐसा करने वालों के विरुद्ध सख्ती से और त्वरित गति से कार्रवाई हो। तो सोशल डिस्टेंसिंग का ये मतलब है कि सोशली हम सोशल एक्टिविटीज हैं, जैसे क्राउड्स जहाँ पे इकट्ठे होते हैं, पार्टीज हैं, मॉल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, वहाँ पे ना जाएं। अवॉइड ऑल नॉन एसेंशियल सोशल एक्टिविटीज। उसके अलावा अगर हम कहीं जाते हैं तो हम एक से एक बिटवीन ईच अदर हम 1-1.5 मीटर का डिस्टेंस जो है वो रखें, जिससे हम अगर किसी से हमें इन्फेक्शन ना हो और हम किसी को इन्फेक्शन ना रहें। तो सोशल डिस्टेंसिंग इज बेसिकली फॉर टू अवॉइड सोशल एक्टिविटीज एंड मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 1 मीटर अगर हम किसी सोशल फंक्शन में जाते हैं। एक नया टर्म और है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का ये मतलब है कि अगर हमें किसी को हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन है क्योंकि वो ऐसी जगह से आया है जहाँ पे आउटब्रेक हो रहा है, या फिर किसी पेशेंट के क्लोज कॉन्टैक्ट में है जो पॉजिटिव है, अभी उनको उसको कोई लक्षण नहीं है, ये सिम्टोमेटिक है, तो हम ये कहते हैं कि जिससे आपको अभी इंक्यूबेशन पीरियड में आप हो सकते हैं कि आपको इन्फेक्शन है और बाद में उसके लक्षण आए, तो उस टाइम के लिए आप घर पे रहें या ऐसी फैसिलिटी में रहें जिससे आप इन्फेक्शन और लोगों को ना स्प्रेड कर पाए। एंड दैट इज बेसिकली 14 डेज, बिकॉज इसका इंक्यूबेशन पीरियड इज रफली मेनली बिटवीन 5 to 7 डेज। उसका हम डबल कर लेते हैं क्योंकि अगर कुछ एक्स्ट्रा टाइम के लिए, तो 2 हफ्ते के लिए ये हम एडवाइस करते हैं कि आप खुद घर में रहें, लोगों से कम मिलें, रेगुलर हैंड वॉशिंग करें, जिससे अगर बाई चांस आपको इन्फेक्शन है तो आप औरों को ये दे नहीं पाओ। मेरा तो ये मैसेज है सबके लिए कि पैनिक और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम डेटा भी देखें, चाइना का भी डेटा देखें जहाँ सबसे ज़्यादा केसेस हुए हैं, मोर्टैलिटी जो है वो सिर्फ 2 से 3% है। इसका ये मतलब कि 98% ऑफ पीपल जिनको कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ है वो बिल्कुल ठीक हो गए। दैट मीन्स अगर 100 लोग हैं तो उसमें से सिर्फ 2 लोगों की डेथ हुई है, 98% ठीक होके घर चले गए। अगर हम अपना ही डेटा देखें, शुरू में हमारे 3 पेशेंट थे केरल से, तीनों अब ठीक होके घर चले गए हैं, उनको कोरोना वायरस हुआ तो 2 हफ्ते हमने क्वारंटाइन किया, वो ठीक हो गए। ये सरकार ने बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। देश में अब ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्ट संभव हो सकेगा। हालांकि इसकी शुरुआत उन्हीं जिलों में सबसे पहले की जाएगी जहां पर संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। ये जानकारी स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। जो जानकारी अब तक सामने आ रही है उसके मुताबिक भारत में 8 से 9 अप्रैल तक 5 लाख की संख्या में किट आ जाएगी। इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। इस टेस्टिंग किट से सिर्फ 5 मिनट में कोरोना पॉजिटिव केस की जानकारी मिल जाएगी, वहीं कोरोना निगेटिव बताने में इस किट को 13 मिनट का समय लगेगा। इस दौरान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने कोरोना को हवा से फैलने की खबर को भी सिरे से खारिज किया है।
आईसीएमआर के मुताबिक अभी तक कोरोना के हवा से फैलने का कोई भी सबूत नहीं मिला। अगर ऐसा होता तो एक संक्रमित व्यक्ति का पूरा परिवार कोरोना की चपेट में आ जाता या फिर अस्पताल में भर्ती मरीज से पूरे अस्पताल में ये फैल जाता। लिहाजा आईसीएमआर ने अफवाहों से दूर रहने की भी अपील की है। इसके अलावा आईसीएमआर ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से भी कोरोना का खतरा बढ़ सकता है, इस बात की भी जानकारी दी है। इसलिए आप सभी सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से परहेज कीजिए। धूम्रपान गुटखा का सेवन भी बंद करने की आईसीएमआर ने अपील की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने कोरोना वायरस के कारण लोगों को हो रही परेशानी से बचने के लिए डोर स्टेप सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के तहत ग्राहक अपने बैंकिंग के काम घर से ही बैठे बैठे निपटा सकते हैं। अगर बैंक के ग्राहकों को नकदी की ज़रूरत होती है तो बैंक अपने ग्राहकों को घर पर ही नकदी पहुंचाएगा। इससे पहले ये सुविधा वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए थी। हालांकि डोर स्टेप बैंकिंग सेवा का लाभ केवल उन्हीं ग्राहकों को मिलेगा जिनकी KYC पूरी हो चुकी है, लेकिन जो ग्राहक डोर स्टेप सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं ऐसे में उनको ब्रांच में रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता है।